हाय आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई डी कम्पीट पर आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट क्या होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इस कंप्यूटर है का कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएँ हैं ठीक है थीके? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो व्हाट इज कंप्यूटर से कंप्यूटर क्या है ये जानते हैं हम पहले ठीक है तो देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर एज इनपुट जो क्या करता है यूजर से डाटा एक्सेप्ट करता है और उसे क्या कहता है जो डाटा यूजर देते हैं कंप्यूटर को उसे क्या कहता है इनपुट ठीक है पहले देखते हैं कि यूजर क्या होता है यूजर होता है जो भी बन जो भी इंसान कंप्यूटर को यूज कर रहा है चाहे मैं हूँ अभी अभी कंप्यूटर यूज़ कर रही हूं तो मैं क्या हुई कंप्यूटर की यूजर आप ये वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो आप क्या हुए कंप्यूटर के यूजर हुए तो जो भी यूजर जो भी डाटा कंप्यूटर को देता है वो इनपुट कहलाता है ठीक है एंड प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई द यूजर उसके बाद जो डाटा वो एज ए इनपुट लेता है उस डाटा पे वो प्रोसेस करता है उस डाटा को किस तरीके से प्रोसेस करता है तो जो इंस्ट्रक्शन यूज़र देते हैं कंप्यूटर को किस तरीके से प्रोसेस करेगा जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो हमारे डाटा को प्रोसेस करेगा दो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है एंड गिव्स द डिज़ायर्ड आउटपुट उसके बाद हमें वो डिज़ाइड आउटपुट देता है मैंने जो कंप्यूटर में डाटा दिया उस डाटा को पहले उसने अपने अंदर लिया फिर उसको पे प्रोसेस किया जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसने डाटा को प्रोसेस किया उसके बाद जो रिज़ल्ट दिया हमारा डिज़ाइड रिजल्ट आया वही क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है आउटपुट कहलाता है ठीक है तो ओवरऑल कंप्यूटर का डेफिनेशन हुआ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर एज इनपुट एंड प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट ये हो गई कंप्यूटर के डेफिनेशन अब देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट इसी कंसेप्ट पे कंप्यूटर काम करता है तो अगर मैं कहूँ इनपुट क्या है सपोज करिए मुझे कंप्यूटर से मुझे कुछ कैलकुलेशन करवाने हैं तो थ्री प्लस फाइव मैंने कंप्यूटर में से इनपुट दिया ठीक है और कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट देगा वो क्या हो जाएगा एट ठीक है तो इसमें जो ये जो थ्री है ये थ्री क्या हुआ थ्री और ये फाइव ये दोनों क्या हो गए ये दोनों हमारे इनपुट हो गए मैंने इनपुट दिया हमने कंप्यूटर को मैंने दो डाटा दिया थ्री दिया और फाइव दिया ये हमारा थ्री और फाइव हो गया हमारा डाटा जिसे हम क्या कहते हैं इनपुट हुआ ये प्लस जो है ये हमारा है इंस्ट्रक्शन कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि जो मैंने तुम्हें डाटा दिया थ्री और फाइव उसको तुम सम करके मुझे दो ये हो गया इंस्ट्रक्शन प्लस जो है वो हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया थ्री और फाइव हमारा क्या हो गया डाटा और ये जो रिजल्ट है जो ये जो एट है ये हमारा क्या हो गया ये हमारा हो गया आउटपुट एट हो गया हमारा आउटपुट क्योंकि हमारा यही डिजाइड रिजल्ट था थ्री और फाइव को सम करना था और फाइव थ्री का सम कितना होता है एट होता था ये हमारा आउटपुट हो गया आई होप आप कंप्यूटर uh, क्या होता है वो समझ गए डाटा क्या होता है वो समझ गए इनपुट समझ गए आउटपुट समझ गए और इंस्ट्रक्शन क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे आगे देखते हैं कंप्यूटर टर्म इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट कंप्यूटर टर्म जो है वो किस वर्ड से बना हुआ है कंप्यूट वर्ड से इसका क्या मीनिंग होता है कैलकुलेट करना जो कैलकुलेट करता है उसे क्या कहते हैं कंप्यूटर कहलाता है देखिए चार्ल्स बवेज इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ़ कंप्यूटर फादर ऑफ़ कंप्यूटर कौन है चार्ल्स बवेज चार्ल्स बबेज को हम फादर ऑफ़ कंप्यूटर कहते हैं कंप्यूटर्स आर यूज एवरीवेयर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है हर जगह होता है लाइक इन स्कूल यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हॉस्पिटल साइंटिफिक रिसर्च म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ फॉरकास्टिंग वेदर कंडीशंस एट्सेट्रा कंप्यूटर का हर जगह यूज़ होता है जिसका कितने यहाँ पे मैं कितना एग्जाम्पल लिख सकती हूँ हर जगह अगर आप आजकल एक शॉप पे भी जाते होंगे मेडिसिन खरीदने के लिए भी अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटराइज बिल मिलता है वो उनके पास कितने मेडिसिन हैं कितने सेल हुए कितने आए वो सारा रिकॉर्ड वो कंप्यूटर पर रखते हैं तो एक शॉप से लेके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज फिल्म इंडस्ट्रीज जहां भी देखिए हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड एवरीवेयर ठीक है चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट देखते हैं कि हम इनपुट प्रोसेस और आउटपुट कंसेप्ट क्या होता है कंप्यूटर इस पर क्या कैसे कंप्यूटर इसमें काम करता है इनपुट क्या होता है सबसे पहला द वैल्यू डेट वी गिव टू द कंप्यूटर वाया अ कीबोर्ड माउस और एनी अदर इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट जो भी हम जो भी चीज़ें कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं जो भी वैल्यू हम कंप्यूटर को देते हैं किसके थ्रू कीबोर्ड और माउस या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि डाटा इनपुट करता है उसकी हेल्प से जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं वो इनपुट कहलाता है इट कैन बी इमेज टेक्स्ट साउंड वर्ड डॉक्यूमेंट्स इट वो कुछ भी हो सकता है हम कुछ पिक्चर डाल सकते हैं कंप्यूटर में कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं वर्ड्स डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी इनपुट कहलाती है ठीक है प्रोसेस देखते हैं परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग जो डाटा हमने कंप्यूटर में डाला उस पर जो हम अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं वही क्या कहलाता है प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर अर्थमेटिकल ऑपरेशन में मैं कुछ एग्जाम्पल दी हूँ एडिशन लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन लाइक जो भी हमने दो डिजिट डाला दस डिजिट डाला उनको सम करना है सब्सट्रैक्ट करना है डिवीज़न करना है मल्टीप्लाई करना है ये सब चीज़ें अर्थमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन क्या हुआ ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये सब चीज़ें जो ऑपरेशन होंगे वो सारे लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं ठीक है होप आप समझ गए होंगे कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है आउटपुट इज द रिजल्ट जनरेटेड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा विच वी इनपुट इन टू द कंप्यूटर आउटपुट क्या है वो रिजल्ट है किस चीज़ का जनरेटेड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं हम आउटपुट कहते हैं ठीक है इट कैन बी इमेज टेक्स्ट साउंड वर्ड डॉक्यूमेंट ये कुछ भी हो सकता है पिक्चर हो सकता है टेक्स्ट हो सकता है साउंड हो सकता है वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है वो सारे क्या कहलाते हैं आउटपुट कहलाते हैं कंप्यूटर गिव्स आउटपुट वाया आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर प्रिंटर ईटीसी कंप्यूटर क्या करता है हमें जो आउटपुट देता है वो आउटपुट डिवाइस के हेल्प से ही हमें आउटपुट देता है जैसे कि मॉनिटर हम मॉनिटर पे क्या करते हैं मैंने जो डाटा दिया कंप्यूटर में उस डाटा से जो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो हमें कैसे देखते हैं देखेंगे हम कहाँ पे देखेंगे वो तो हम मोनिटर पर ही देखते हैं तो मॉनिटर क्या हुआ आउटपुट डिवाइस हुआ क्योंकि उसी के हेल्प से हम रिजल्ट देख रहे हैं और उसके बाद प्रिंटर प्रिंटर क्या करता है कंप्यूटर में जो चीज़ है उसको प्रिंट करके हमें बाहर दे रहा है अंदर तो नहीं ले रहा है बाहर की तरफ दे रहा है वो क्या कहलाया आउटपुट मतलब आउटपुट डिवाइस वो कहलाएगा आगे देखते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं ठीक है देखिए अब देखते हैं हम कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं इनपुट डिवाइस पहले देखते हैं इनपुट डिवाइस दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस जो डिवाइस डाटा और कंप्यूटर को जो भी डिवाइस डाटा और इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए हेल्प चाहिए वो डिवाइसेस क्या कहलाता है इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड कीबोर्ड से हम क्या करते हैं डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं डालते हैं माउस से क्या करते हैं हम डाटा को अंदर डालते हैं तो ये सारे क्या हुए इनपुट डिवाइस होंगे तो वो सारे डिवाइस जिनका यूज डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए यूज़ किया जाता है वो सारे हो गए इनपुट डिवाइस उसके बाद आउटपुट डिवाइस देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेस्ड आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस जिसका यूज क्या किस लिए होता है जो डाटा को जो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट दिखाता है जो डिवाइस हमें वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाता है जैसे कि मोनिटर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो डाटा हम डाले कंप्यूटर में लाइक like, मैंने थ्री और फाइव दिया उसको मैंने सम किया तो ये जो एट जो रिजल्ट आए वो हमने कहाँ पे देखा मॉनिटर पे देखा वो क्या कहलाया आउटपुट डिवाइस प्रिंटर पे हमने प्रिंट लिया तो वो क्या कहलाएगा आउटपुट डिवाइस हेडफोन से हम सुनते हैं मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम बाहर की तरफ सुन रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आउटपुट डिवाइस ये सारे जितने भी यहाँ पे मैंने इनपुट डिवाइस ये सारे इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ठीक है थीके? और इस ये जो है इन सब का मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें किसका क्या काम होता है वो हम देखेंगे और इस तरफ जो है वो सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं इन सब का एक वीडियो बनाएंगे कि हर डिवाइसेस का किसका क्या काम होता है वीडियो कार्ड क्या होता है साउंड कार्ड क्या होता है जी क्या होता है प्रोजेक्टर क्या होता है ग्राफिक टैबलेट स्कैनर ट्रैक बॉल लाइट पेन जॉयस्टिक इन सब का क्या यूज़ है और क्या होते हैं यह सब का एक वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी ठीक है देखिए अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं ठीक है सबसे पहला तो कंप्यूटर की स्पीड कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बहुत हाई स्पीड होता है कंप्यूटर बहुत स्पीड से कैलकुलेट करता है जो भी हमें कैलकुलेशन होते हैं कंप्यूटर में जो भी हम कैलकुलेशन देते हैं वो बहुत स्पीड से होता है आ, यहाँ पे मिलियन बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट होते हैं ठीक है ठीके? तो हाई स्पीड में कंप्यूटर हमारे रिजल्ट देता है एक्यूरेसी कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता है कंप्यूटर हमेशा हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है कभी कोई मिस्टेक नहीं होता अगर कंप्यूटर की रिजल्ट में कोई मिस्टेक आ रही है इसका मतलब है कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को उस इंस्ट्रक्शन में कुछ मिस्टेक हो सकती है पर कंप्यूटर कभी रिजल्ट गलत नहीं देता है ठीक है उसके बाद हुआ डिलीजेंस डिलीजेंस मीन्स हुआ कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है ये हमेशा चाहे चाहे पाँच घंटे मैं कंप्यूटर चलाऊं दस घंटे चलाऊं बीस घंटे चलाऊं पर कंप्यूटर कभी थकता नहीं है उसी स्पीड से उसी तरीके से वो हमेशा काम करता है चाहे वो पाँच घंटा चलाओ या बीस घंटे चलाओ उसकी सब कुछ सेव रहेगी वो हमेशा एक जैसा काम करता है ठीक है डिविजेंस हो गया लार्ज मेमोरी कंप्यूटर की स्टोरेज होती है उसके पास मेमोरी बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत सारे डाटा को एक साथ स्टोर कर सकता है ठीक है वर्सेटिलिटी इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर अलग अलग तरह के काम एक तरीके से कर सकता है मतलब कि अगर उसके हम इजी भी वर्क दे दें उसको हम डिफिकल्ट वर्क भी दे दें वह दोनों वर्क को एक ही स्पीड से एक ही एक्यूरेसी से परफॉर्म करता है ठीक है उसके बाद आया रिलायबिलिटी मतलब कंप्यूटर एक ट्रस्ट वर्दी है कंप्यूटर पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है एक्यूरेट देता है स्पीड अच्छी देती है ये सब चीज़ें कि हम उसके रिजल्ट पे टच कर सकते हैं कंप्यूटर कभी हमें धोखा नहीं दे सकता है ठीक है ये डायग्राम देखते हैं इस डायग्राम में मैंने सारे जो भी चीज़ें हैं हमारे कंप्यूटर के जो भी विशेषताएं सारे डाल दिए हैं और ये सब तो आपको मैंने बता ही दिया है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग ही हो गई लार्ज मेमोरी लार्ज मेमोरी जो इसकी मेमोरी बहुत लार्ज होती है ठीक है यहाँ पर आया नो आई क्यू कंप्यूटर के पास अपना कोई आई क्यू नहीं होता है ठीक है मतलब कि अगर हमने कंप्यूटर को जो काम दिया वो उतना ही करेगा अपने मर्जी से वो कुछ भी नहीं करेगा ठीक है अगर मैंने उसको कहा एडिशन करो तो वो करेगा वो अपने मर्जी से नहीं करेगा विदाउट हमारे इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर काम नहीं करता है और नो फीलिंग्स कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग्स नहीं होते हैं ये दोनों क्या है कंप्यूटर के ड्रॉबैक्स आप कह सकते हैं ये दोनों कंप्यूटर के निगेटिव पॉइंट हैं बाकी ये सब क्या है कंप्यूटर के पॉजिटिव पॉइंट हैं ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप हो सके तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन प्लीज़ प्रेस करिएगा और जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे इस सेशन में जो भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए मैं या तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी ठीक है थैंक यू टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे